आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि शहद की मक्खियों में भी मलका होती है। वो मलका का इंतखाब कैसे करती हैं, जानिए इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शहद की मक्खियां अपनी मलका काफ़ी दिलचस्प तरीके से चुनती हैं। पुरानी मलका जो कि अंडे देने की जिम्मेदारी रखती है, उन अंडों में से 20 के करीब अंडों को वर्कर मक्खियाँ मुमकिन मलका के उम्मीदवार के तौर पर चुन लेती हैं। इन मुमकिन मलका के उम्मीदवार मक्खियों के लार्वों को एक स्पेशल गिजा खिलाती हैं, जिसे हम शाही जिली भी कह सकते हैं। ये उस शाही जिली का ही असर होता है कि मलका लार्वे आम लार्वों से बड़े होते हैं। उसी दौरान वर्कर मक्खियां इन मलका मक्खियों के लार्वों को अलग सेल्स में रखती हैं और शाही जिली खिलाती हैं। इन लार्वों में से जो लार्वा सबसे पहले बड़ा हो जाता है, वो नई मलका बन जाता है। लेकिन इस मलका को बगावत का डर बहुत होता है, तो वो सबसे पहला काम बाकी मलका लार्वों को ख़त्म करना होता है। अगर उस काम में देरी हो जाए और एक और उम्मीदवार आ जाए, तो फिर वो उन दोनों की लड़ाई होती है और जिंदा बचने वाली मलका बन जाती है। ये मलका अपनी नई पॉलिसीज लागू करती है, जिसमें पुरानी बूढ़ी मलका को घेर कर मारने से लेकर उसको अपने साथ मुखलिस वर्कर मक्खियों के साथ छत्ते से जलावतन किया जाता है और वो कहीं और बसेरा कर लेती है।